हिंदी और मलयालम फिल्मी दुनिया में फेमस डायरेक्टर संगीत सेवन अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, यमला पगला दीवाना 2, क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी जैसे फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर संगीत सेवन ने 61 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके निधन की खबरें से बॉलीवुड से लेकर साउथ फिल्म इंडस्ट्री शोक की लहर में है। हालांकि निधन की वजह को लेकर किसी तरह की जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। जैसे जैसे इंडस्ट्री में लोगों को ये दुखद खबर मिल रही है, वो शोक जता रहे हैं। इस दुखद खबर के बारे में जानकारी शेयर करते हुए बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख ने उनकी एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस पोस्ट में रितेश ने लिखा, ये जानकर बहुत दुखी और हैरान हूँ कि संगीत सेवन सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक नए कलाकार के तौर पर आप बस यही चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई विश्वास करने वाला हो और कोई आपके ऊपर चांस ले सके। मैं क्या कूल है हम और अपना सपना मनी मनी जैसे फिल्मों के लिए उनका शुक्रिया नहीं कर सकता। रितेश ने आगे लिखा, वो कम बोलने वाले हैं, सौम्य और बेहद अद्भुत इंसान थे। आज मेरा दिल टूट गया है। उनके परिवार और प्रियजनों, उनकी पत्नी और बच्चों, भाइयों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मुझे आपकी याद आएगी और आपकी वो शानदार हंसी। बता दें कि संगीत सेवन फोटोग्राफर और सिनेमेटोग्राफर सेवन के सबसे बड़े बेटे और संतोष सेवन और संजीव सेवन के भाई थे। संगीत सेवन ने रघुवन और सुकुमारन अभिनीति फिल्म वैयूम की कहानी लिखी भी थी और उसका निर्देशन भी किया था। इन सब के अलावा उन्होंने मोहनलाल के साथ 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में की, जिसमें योद्धा, गंधवर्व और निर्णयम शामिल है। हिंदी फिल्मों की बात करें तो उन्होंने चुरा लिया है तुमने, यमला पगला दीवाना 2, क्या कूल है हम, अपना सपना, मनी मनी जैसी बॉलीवुड फिल्में भी बनाई हैं। मशहूर निर्देशक संगीत सेवन का बुधवार 8 मई को कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। गुरुवार को फिल्मकार की भावभीनी विदाई हो दी गई। उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा शमशान में किया गया। निर्देशक को श्रद्धांजलि देने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई सितारे पहुंचे। अनुपम खेर, फरदीन खान, रितेश देशमुख, तुषार कपूर और जायद खान जैसी मशहूर हस्तियां ने उनके अंतिम संस्कार में शामिल की अपनी दिखाई। संजीव सेवन के अनुसार उनके बड़े भाई संगीत सेवन के मुंबई के कोकिला बेन अस्पताल में मूत्र संक्रमण का इलाज चल रहा था। इस दौरान बुधवार को उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनकी जान चली गई। योद्धा 1992 उनकी फिल्म दूसरी फिल्म थी। मलयालम सिनेमा में उनका नाम सबसे अधिक बार देखे जाने वाले मूल्य वाली फिल्मों में से एक के रूप में स्थापित करेगी। मलयालम में कई फिल्में करने और 2000 के दशक में बॉलीवुड में कई मसाला फिल्मों के साथ उच्च व्यावसायिक सफलता हासिल करने के बावजूद वो फिर कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुँच सके जो योद्धा ने हासिल की थी। हालांकि उनके कई अन्य कार्यों की तरह एक हॉलीवुड फिल्म द गोल्डन चाइल्ड से उदारतापूर्वक प्रभावित शशिधरन अल्टा बवाजी द्वारा लिखित फिल्म में कुछ मौलिक हास्य था, जिसे जगती श्री कुमार और मोहनलाल के यादगार प्रदर्शनों ने स्क्रीन पर उभारा था। रिलीज होने के 3 दशक के बाद ही फिल्मों की प्रतिक्रियाएं आज भी केरल में रोजमर्रा की तरह बातचीत का हिस्सा है। संगीत ने फिल्म के लिए बेहद सफल एल्बम बनाने के लिए AR रहमान को भी शामिल किया, जिनका पहला संगीत रोजा और अभी भी रिलीज नहीं हुआ था। प्रारंभिक शुरुआत की अगर हम बात करें तो फोटोग्राफर और फिल्म निर्माता सिवन, जिन्होंने चिमिन के लिए चित्र शूट किए, और चंद्रमणि के बेटे, सिनेमा हमेशा संगीत के जीवन का हिस्सा रहा है। अपने करियर की शुरुआत विचित्रियों में अपने पिता की सहायता से करने के बाद वो अपने छोटे भाई, फिल्म निर्माता और छायाकार संतोष सिवन के फीचर फिल्मों में स्थानांतरित होने के लिए प्रेरित हुए। हालांकि बॉलीवुड में उनका पहला कार्यकाल आमिर खान अभिनीति राख 1989 में कार्यकारी निर्माता के रूप में था। उन्होंने अपनी पहले निर्देशित फिल्म वैयूम 1990 के लिए मलयालम को चुना, जो रघुवन और उर्वशी अभिनीत एक थ्रिलर थी जो कि लिथेल वेपन के साथ काफी हद तक प्रेरित थी। 1992 में योद्धा की सफलता के बाद उन्होंने डैडी भी बनाई। उन्होंने गर्दफर्म यानी कि 1993 में फिर से मोहनलाल के साथ काम किया, जो कि काफी हद तक भूलने योग्य था। लेकिन शंकुतलम के बाद की अगर हम बात करें तो शंकुतलम के सपने संस्करण को वंचित करने के नायक के प्रयासों के आसपास के हादसे के लिए अभी भी याद किया जाता है। उनकी फिल्म जॉनी 1993 ने सर्वश्रेष्ठ बच्चों की फिल्म के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार जीता। निर्णयम 1995 में मोहनलाल के साथ उनकी तीसरी फिल्म थी। हैरिसन फोर्ड स्टार फ्यूजिटिव से काफी प्रेरित थी, लेकिन फिर भी इसे एक अच्छी तरह से अनुकूलित थ्रिलर के रूप में सराहा गया। भूलने योग्य स्नेहपूर्वम अन्ना 2000 के बाद संगीत धीरे धीरे मलयालम उद्योग से दूर हो गए। इस समय तक उन्होंने सनी देओल स्टार जोर 1998 के साथ बॉलीवुड में अपनी उपस्थिति दर्ज कर ली थी।
बाद में उन्होंने कहा कि यह बॉलीवुड में बड़े बजट की मदद से हुई तकनीकी प्रगति थी जिसने उन्हें ये बदलाव करने के लिए प्रेरित किया। बदलाव के साथ उनकी फिल्मों का स्वर सूक्ष्म से तीव्र हो गया। चुरा लिया है तुमने, क्या कूल है हम और अपना सपना, मनी मनी जैसे फिल्में उल्लेखनीय हैं, जिनमें से कुछ व्यवसायी व बैच जिनमें से कुछ व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। वहीं 2012 में ईडियट्स और 2017 में ई लेखन और निर्माण करने के लिए मलयालम में लौट आए, लेकिन यह सफल रहे। उन्होंने मनोवैज्ञानिक थ्रिलर भ्रम 2019 के साथ ओटीटी क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। अपने निधन से कुछ दिन पहले ही वो अपनी अगले फिल्म निर्देशित फिल्म कपकपी के पोस्ट प्रोडक्शन कार्य में व्यस्त थे, जो कि मलयालम फिल्म रोमांचम की रीमेक थी। ऐसी तमाम और लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट टाइम लाइव।